ठीक है, क्वेश्चन कर दिया ना सभी कॉलेज स्कूल से आवाज आते बिना थे और क्वेश्चन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर अनवर अली जमाली, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, और आई हैव बीन अलर्टेड द चैप्टर ऑफ द ब्लड एंड इट्स डिजीजेस फॉर द फाइनल ईयर एमबीबीएस। द टॉपिक ऑफ द टुडे इज द एनीमिया। एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन इशू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वर्ल्ड वाइड। इट is the common problems of the infancy. It is also common in the adulthood, old age. Most commonly, the female population is affected more. So, regarding the general consideration, normal hemoglobin level, it varies with age. It varies with age. At birth, mean hemoglobin level is 16.5 gram per deciliter. The level increases as the age advances. In the initial phase, it goes to the peak at 18.5, that is the physiological polycythemia in the first week of the life. Then it again drops to the 11.5 gram per deciliter by the month of the two. The physiological anemia of infancy is mediated by changes in erythropoietin. There are the certain changes which occurs during the infantile period in the erythropoietin level. By 1 to 2 years of the age, the hemoglobin level begins to rise again to the 14 level, and the adult girls, they go up to the 15 gram per deciliter, 14 in the girls and 15 gram per deciliter in the boys. Other relevant laboratory values also vary in the children. So ye vakti ke saath badalti rehti hai, values age aur gender ka great impact hota hai. Hemoglobin aur red cell ki jo different values hain us pe jo सबसे अहम बात यह है कि हम उसमें एमसीबी को नोट करते हैं। हेमोग्लोबिन और आरबीसी की जब भी बात होती है तो हम एमसीबी को नोट करते हैं। वो एमसीबी जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो वह 120 एफएल तक जा सकती है प्री मेच्योर इन्फेंट्स में, और वो कम भी हो सकती है 80 से 78 तक इन वन ईयर ओल्ड बॉय। तो ये वेरिएशन है इसमें जो चलता है, और लेबोरेटरी वैल्यू चिल्ड्रेन शुड बी ऑलवेज कंपेयर्ड विद द एज एप्रोप्रिएट। तो एक मतलब नॉर्मल हेल्दी जो बच्चा है उसकी हीमोग्लोबिन लेवल कितनी है, और उसको कंपेयर करते हैं हम अपनी पॉपुलेशन से, और उसके बाद हम एक एवरेज बनाते हैं। एनीमिया को डिफाइन करने के लिए एज एन एबनॉर्मली लो सर्कुलेटिंग आरबीसी मास रिफ्लेक्टेड बाय लो सीरम हीमोग्लोबिन। अब इसमें एक ये समझनी चाहिए कि अगर आरबीसी कम होते हैं या हीमोग्लोबिन कम होता है तो दोनों सूरत में एनीमिया होती है। किसी की आरबीसी कम है तो वो भी क्वांटिटी के हिसाब से वो आरबीसी कम हो गए, किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी क्वांटिटी के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम है, तो आरबीसी के हिसाब से हीमोग्लोबिन और एनीमिया की क्लासिफिकेशन अलग है, और हीमोग्लोबिन के हिसाब से एनीमिया की क्लासिफिकेशन अलग है। उसके अलावा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों में जो एनीमिया की और हीमोग्लोबिन की लेवल है वो वेरी करती है। हर मुल्क की डाइट और उसके रहने सहने का अंदाज डिफरेंट है। जैसे कि हमारे मुल्क का अलग है, अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिश का अलग है, इंडियन का अलग है। तो एक कुछ दिन पहले सर्वे आई थी कि जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया था कि अप्रोक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा जो है इंडियन जो फीमेल्स हैं वो एनीमिक है। और उसके अलावा फीमेल में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है हर महीने, और उस हिसाब से वो भी ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंटेंट होते हैं, तो इस वजह से 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब तक वो लॉस हो सकता है। मर्द में
और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एनीमिया होती है जब उसकी लेवल हेमोग्लोबिन की लेवल 13 और 14 ग्राम पर डेसिलीटर से कम हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें एज ऑफ द पेशेंट है, रेस है, अगर कोई ऊंचाई पे रहता है तो उसका हेमोग्लोबिन डिफरेंट होता है जो सी लेवल से नीचे रहता है, और उसके अलावा कोई स्मोक करता है तो स्मोकिंग की वजह से सेकेंडरी पॉलीसेथी में होती है और उसमें जो है आरबीसी और हेमोग्लोबिन की काउंट वो बढ़ जाती है और हेमोग्लोबिन के स्टेटस को वो अल्टर करती है। हम यूजुअली एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं बाय द साइज। साइज के हिसाब से एक नॉर्मोसाइटिक होता है, मीन्स आरबीसी की साइज नॉर्मल है। एक माइक्रोसाइटिक होता है, मीन्स आरबीसी की साइज नॉर्मल से कम है, और एक मैक्रोसाइटिक होता है, मीन्स आरबीसी की साइज नॉर्मल से बड़ी रही है। तो माइक्रोसाइटिक हम उसको तब कहेंगे जब उसकी एमसीवी मीन कार्पसल वॉल्यूम वो 80 FL से कम होगा, और मोस्ट कॉमन जो काज है उसका वो आयरन डिफिशियंसी है। और दूसरे नंबर पे एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और तीसरे नंबर पे थैलेसीमिया जो हमारे यहाँ बच्चों के पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। दूसरी जो टाइप एनीमिया की है दैट इज द मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक की प्रॉपर्टी ये है कि उसके लिए भी बेस लाइन जो चीज़ हमें मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक को लेबल करने के लिए चाहिए वो है एमसीवी, और वो जो है 100 से ऊपर होनी चाहिए, 100 FL से ऊपर होनी चाहिए। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द मेगालोब्लास्टिक एंड द नॉन मेगालोब्लास्टिक। मैक्रोसाइट मीन्स मेगालोब्लास्टिक, नॉन मेगालोब्लास्टिक। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे तो हमारे पास दो रीजन होने चाहिए, एक है विटामिन B12 की डिफिशियंसी, दूसरा फोलिक एसिड की डिफिशियंसी। नॉन मेगालोब्लास्टिक में जो काजेज हैं दैट आर दी अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड दी क्रोनिक लिवर डिजीज, दीज आर दी कॉमन काज ऑफ दी नॉन मेगालोब्लास्टिक। दोनों में एमसीवी बड़ी होगी, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक, लेकिन एक मैक्रोसाइटिक में मेगालोब्लास्टिक, B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी। एनीमिया इज यूजुअली क्लासिफाइड बाय दिस। एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज द नॉर्मोसाइटिक, मींस सेल की साइज तो नॉर्मल होगी लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन का इशू होता है, नंबर वन। दूसरा, सेल की साइज नॉर्मल होगी लेकिन कोई ऐसी डिजीज है जो उस आरबीसी को तोड़ देती है। सेल की साइज नॉर्मल होगी लेकिन सेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी तादाद कम होगी। तो तादाद के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर क्वांटिटी के हिसाब से ये एनीमिया की क्लासिफिकेशन होती है। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वो दो किस्म की है, हीमोलाइटिक और नॉन हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक में एक अहम काज जो है वो हेरिडिटी डिजीज होती है कि जो माँ बाप से या फैमिली से जेनेटिक या म्यूटेशन के जरिए ये ट्रांसमिट होती है। तो हीमोलाइसिस कैन आल्सो बी रिजल्ट ऑफ द एक्वायर्ड इंसल्ट, कि कभी कभी वो इनहेरिटेड होती है, कभी कभी वो एक्वायर्ड काजेज होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में आरबीसी के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन गई, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया किसी को, जैसे कि किसी को मलेरिया हो गई तो मलेरिया भी एक हीमोलाइसिस, और जैसे कि हाइपर स्पिलिनिज्म का मतलब ये है कि जो टर्न ओवर वर्क जो है वो स्प्लीन का वो बढ़ जाता है। स्प्लीन की साइज तो नॉर्मल होगी लेकिन उसका वर्कआउट बढ़ जाएगा। हाइपर स्प्लीनिज्म दोनों कंडीशन में हो सकती है, चाहे स्प्लीन की साइज नॉर्मल हो चाहे इनलार्ज हो, लेकिन दोनों कंडीशन में स्प्लीन का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, और स्प्लीन में जो सेल की टर्न आउट होता है कि हाँ जी इतने आए, इतने गए, इतने आए गए, तो उस दौरान स्प्लीन जो है वो कमजोर और बूढ़े जो आरबीसी है वो उनको लाइसिस कर देती है। उसके अलावा नॉन हीमोलाइटिक काजेज में, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में पुअर प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी एक मेन एलिमेंट है। अब उसका मेन रीजन जो है एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली रीजन लाया करता है बोन मेरो में। बोन मेरो किसी भी डिजीज की वजह से अफेक्ट होगा तो एप्लास्टिक एनीमिया एक मिसनोमर भी है, क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट ये तीनों कम मिल सकते हैं, कभी कभी प्योर रेड सेल एप्लेजिया मिल सकती है, तो ये मुख्तलिफ है। दूसरी बात ये
कि नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया में रेनल सेल रेनल इंसफिशिएंसी है कि किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उस दौरान ये होता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि किडनी इरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करती है। जब किडनी ग्रेड 3 की तरफ चली जाती है तो आस्ता आस्ता जो है पेशेंट में एनीमिया डेवलप होती है और वो एनीमिया यूजुअली एनीमिया क्रॉनिक डिजीज होती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो बजात खुद बोन मेरो के अंदर हो या बोन मेरो अफेक्टेड हो, जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या इन्फिल्ट्रेट डिसऑर्डर से उसकी वजह से, तो फिर वहाँ से भी आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड होती है। ये एक टेबल बनी हुई है जिसको मतलब आप इस तरीके से देखें कि हमने एनीमिया को साइज के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक। तो माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक के कॉजेज डिफरेंट हैं। माइक्रोसाइटिक में हमें जो कॉमनिस्ट काज मिलते हैं वो सबसे पहले होता है आयरन डिफिशेंसी, दूसरे नंबर पे होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, तीसरे नंबर पे थैलेसीमिया जो कि अर्ली चाइल्डहुड एडल्टहुड तक हैं, क्योंकि थैलेसीमिया वाले मेजर वाले यूजुअली दे नॉट सर्वाइव यूजुअली, मतलब वो कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनकी उम्र जो है वो मिडिल एज से भी क्रॉस कर गई, लेकिन अक्सर ये जो है ये यंग एज में ही एंटी डेथ हो जाती है। और सिड्रोब्लास्टिक, सिड्रोब्लास्टिक एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें भी आरबीसी रिजिड हो जाते हैं और टूट जाते हैं। मैक्रोसाइटिक में मेगालोब्लास्टिक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बीटोलियो और फोलिक एसिड। एक और भी जो है कॉज है वो है ड्रग रिलेटेड, कि ड्रग्स भी ऐसी हैं जो आरपीसी के साइज पे अफेक्ट करती हैं और उसकी फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करती हैं। एक पैरेलली एक और भी चीज है जिसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक लेकिन नॉन मेगालोब्लास्टिक। नॉन मेगालोब्लास्टिक में जो है हाइपोथायराइडिज्म, लिवर डिजीज, अल्कोहल और माइलोडिस्प्लास्टिका। माइलोडिस्प्लास्टिका का मतलब ये है कि माइलो का मतलब है बोन मेरो, डिस्प्लेसिया के मतलब बोन मेरो के अंदर जो है डिस्प्लास्टिक चेंजेस आती हैं और उसके सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि फैंकोनी एनीमिया है, इन रिफ्रैक्टरी एनीमिया है और रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, विदाउट रिंग सिड्रोब्लास्ट, और उसके अलावा क्यू सिंड्रोम है जो कि माइलोब्लास्टिक सिंड्रोम आते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि बोन मेरो को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा नॉर्मोसाइटिक और एनीमिया जो है उसको हमने डिवाइड किया था हीमोलाइटिक नॉन हीमोलाइटिक में। जो हीमोलाइटिक होती है अब या तो आरबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट हो या आरबीसी को बाहर से कोई थ्रेट हो। अगर अंदर कोई डिफेक्ट होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है स्फेरोसाइटोसिस में, और जैसे कि एंजाइमेटिक डिफेक्ट होता है जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशेंसी है, या कोई हेमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी होती है, हेमोग्लोबिन एस डिजीज है, हेमोग्लोबिन एच डिजीज है, बहुत सारे लॉट ऑफ डी हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स आते हैं। लेकिन आप फाइनल ईयर के लिए हेमोग्लोबिन एस जो है या सिकल सेल एनीमिया जो है दैट इज द कॉमन इशू। उसके अलावा जो एक्सटर्नल मींस डिजीज ऐसी है जो आवाज आ रही है अब क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो आवाज आ रही है क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे बताएंगे आप लोग आवाज आ रही है? हेलो पार्टिसिपेंट्स, जी सर आ रही है आवाज? ठीक है, क्लियर है आवाज? यस सर। ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। लेक्चर नहीं, पूछो तो पहले आवाज सही है। अच्छा, पहले आवाज क्लियर आ रही थी, पहले भी शोर था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पहले आ रहा था शोर। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज आ रही है?
यस सर आ रही थी। ठीक है अब आ रही है, पहले सही आ रही थी। सर अब ज्यादा क्लियर आ रही है, पहले थोड़ा शोर था आप पीछे। शोर था, ठीक है सर। और आपने जो लिंक सेंड किए उससे काफी स्टूडेंट्स का कनेक्ट नहीं हो रहा। जी तो क्या करेंगे, वो पासवर्ड वगैरह गलत दे रहे हैं अपना, वो लॉग आउट करके यूजर आईडी के थ्रू हो जाए। अगर लिंक के थ्रू नहीं हो रहा तो यूजर आईडी के थ्रू हो जाए। ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये एक्सपीरियंस कम है तो इसी वजह से ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं साउंड का, या टेलीफोन से अपन लिए जो है फैन भी चल रहे हैं तो उसका शोर तो बात हो रही थी। नॉर्मल सेटिंग के लिए मैं तो नॉर्मल सेटिंग जो है हिमोलाइटिक होती है और नॉन हिमोलाइटिक होती है। हिमोलाइटिक में जो है कुछ काजिज ऐसे होते हैं जो आरबीसी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि मेमोरी डिफेक्ट्स, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है हेरेडिटी एस्फेरोसाइटोसिस। और दूसरी जो कॉमन काज नहीं है लेकिन रेयरली हम देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम एनीमिया की करते हैं, तो वो है एंजाइमेटिक डिफिशियंसी, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो हेमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, उसकी हेमोग्लोबिन की डिजीज होती है, मेम्ब्रेन की डिजीज, एंजाइम का डिफेक्ट, हेमोग्लोबिन की डिजीज। तो ये तीन ऐसे काजेज हैं जो कि आरबीसी के अंदर हैं, उनको हेमोलाइसिस का सबब बनते हैं और इनको इंट्रिंसिक कहा जाता है। उसके अलावा कुछ काजेज ऐसे हैं जो बाहर हैं और वो आरबीसी की हेमोलाइसिस कर रहा है, जिसमें ऑटोइम्यून में वार्म बॉडी या कोल्ड बॉडी, वार्म बॉडी मीडिएट में जैसे कि सीएलएल है लिपिमिया, और इससे फीमेल की डिजीज कॉमनली फीमेल मर्दों में भी होती है लेकिन बहुत कम, लेकिन फीमेल में ज्यादा होती है। और एडियोपैथिक का ये है कि जब कोई काज समझ में ना आए तो वो अननोन होता है और उसको एडियोपैथिक कहते हैं। जब आप सारे कॉमन काज, रेयर काज एक्सक्लूड कर दें और आपको कोई काज ना मिले, फिर और जब भी कभी कोई आपसे काज पूछे कि हाँ जी एनीमिया का काज बताओ, हिमोलाइटिक का एक्सट्रिंसिक कॉजेज बताओ, तो आपने एट लास्ट बोलना है एडियोपैथिक। शुरू में नहीं कहना एडियोपैथिक, शुरू में आपने कहना है कि हाँ जी ये ड्रग इंड्यूस हो सकता है, ये ल्यूकेमिया हो सकती है, ये एसिडिटी हो सकती है, ये माइकोप्लाज्मा हो सकता है। उसके अलावा एलो इम्यून, जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी, जिसमें जो या नॉट प्रॉपरली क्रॉस मैच हो, तो उस वजह से कभी कभी रेयर ग्रुप्स हैं वो भी डोमिनेंट होते हैं सर्कुलेशन में, और उसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। क्योंकि हम तो एपीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम को फॉलो करते हैं, डफी किट्स या कुछ और जो ग्रुप हैं, एमएनओ जो ग्रुप का सिस्टम है, हम उसको फॉलो नहीं करते, तो उस वजह से मिसमैचिंग कभी कभी हो जाती है, तो उसको एलो इम्यून कहते हैं। नॉन इम्यून भी होता है कि उसमें भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। स्प्लीन का मैंने आपको बताया कि स्प्लीन जब हाइपर एक्टिव हो जाएगी या उसकी साइज बढ़ जाती है और उसके बाद हाइपर, स्प्लीन नॉर्मल होगी फिर भी हाइपर एक्टिव हो सकती है, कि जैसे कि लोग होते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म वाले हाइपर एक्टिव होते हैं लेकिन उनका कद और बॉडी हैबिट्स जो है वो नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी वो हाइपर एक्टिव होते हैं। और इस तरीके से स्प्लीन भी हाइपर एक्टिव होती है, चाहे उसका कद बहुत नॉर्मल हो या चाहे वो इनका हो, तो स्प्लीन हाइपर एक्टिव होती है तो वो इंक्रीज टर्न ओवर कराती है। जो बूढ़े और कमजोर आरबीसी हैं या ओल्ड एज वाले या हार्ली फेज में जो आ जाते हैं, प्रीमेच्योर जो है वो उनको वेरी यंग और वेरी ओल्ड सबको एनालिसिस करवा देती है। कभी कभी फिजिकल ट्रामा आरबीसी, क्योंकि जब रेशन से पास होता है तो कैपिलरी से पास होता है या किसी हार्ड के साथ, वो क्योंकि
ब्लड प्रेशर के साथ आरबीसी को ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, तो वो प्रेशर के साथ किसी से स्ट्राइक करता है तो वहाँ से भी वो टूट जाता है। तो फिजिकल ट्रामा जैसे कि पीटीपी में होता है, टीआईसी, बर्स, तो इनमें भी आरबीसी टूट जाते हैं और बेड में लीड होती है हेमोलाइसिस। इन्फेक्शन में वर्ल्ड वाइड फेमस हमारे मुल्क से लेकर अफ्रीका तक वो मलेरिया इज द वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन मलेरिया की ब्यूटी ये है कि उसमें जो सिकल सेल है वो उनको कम इफेक्ट करती है, सिकल सेल या हेमोग्लोबिन जो हेमोग्लोबिन पैथीज हैं उनमें मलेरिया डायरेक्टली कम ट्रांसमिट करता है। लेकिन अगर यही पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रही है तो वहाँ से एक चांस होता है कि हाँ और मलेरिया हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी मलेरिया होती है, जैसे कि एक मशहूर हेपेटोलॉजिस्ट को हुई थी और उसकी उसमें डेथ हो गई। नॉन हीमोलाइटिक में अक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूज जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें भी जो है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होती है, लेकिन ब्लड लॉस होता है जब तक कंपेंसेशन। दूसरी बात ये अब आवाज मेरे ख्याल में क्लियर है, हाँ अभी जोर से अल्लाह इस तरीके से नॉन हीमोलाइटिक काजेज में एक्यूट ब्लड लॉस है, प्लास्टिक एनीमिया है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक रेनल इंसफिशिएंसी है और माइलोब्लास्टिस है जो कि बोन मैरो को अफेक्ट करती है। तो ये कॉमन काजेज हैं एनीमिया के, नॉर्मोसाइटिक, हीमोलाइटिक और नॉन हीमोलाइटिक। हिस्ट्री में हमें क्या मिलेगा, हिस्ट्री में हिस्ट्री में हमें मेनी इनहेरिटेड काज ऑफ एनीमिया आर डिस्कवर्ड इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में पता चलता है और कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या कभी हम रूटीन में उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं तो वहाँ से वो जो है डायग्नोस हो जाते हैं कि हाँ इनको कोई आरबीसी या हेमोग्लोबिन की कोई डिजीज है। कि जब भी कोई भी पेशेंट या कोई भी बच्चा एनीमिया के साथ आए तो आपने अपनी उसकी केयरफुल फैमिली हिस्ट्री लेनी है और एनीमिया को सॉर्ट आउट करना है बाय द रूटीन एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। चार कॉमन डिजीज ऐसी हैं जो इनहेरिटेड फॉर्म में आती हैं, ये आपका बीसीक्यू है जो एक्सम में आ सकता है। ये चार कॉमन डिजीज ये सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेशन डिफिशिएंसी है, एस्पेरोसाइटोसिस है, ये इनहेरिटेड फॉर्म्स ऑफ द एनीमिया है। जो लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और ब्लड के जो क्वेश्चन होंगे आपके एनुअल में बीसीक्यू वो मैं ही बनाऊंगा और इनमें ही लेक्चर में से बना के दूंगा। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, इस दफा भी ऐसे ही करेंगे। जब फैमिली का कोई मेल मेंबर अफेक्ट हो तो यूजुअली कंसीडर किया जाता है कि हाँ जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी है और वो एक्स क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। दूसरी बात ये कि और भी एलिमेंट है कि आपने हिस्ट्री पे चाइल्ड को इवैल्यूएट करना है एनीमिया के लिए, कि जब भी चाइल्ड एनीमिक होता है तो वो खाना पीना कम, ओवर फीडिंग, इरिटेबिलिटी, और जब भी एनीमिया होगी तो ट्रेकिकार्डिया होगा, और क्लासिकल जो एडल्ट सिम्टम है वो चाइल्डहुड में नहीं होते और एटिपिकल फीचर जो हैं वो जाहिर होते हैं और फैमिली उनको कभी कभी अलग तरीके से बताती है कि बच्चा चिड़चिड़ापन हो गया है, बच्चा खाता सही नहीं है, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, खेलता कूदता नहीं है, बेजार सा रहता है। तो ये फैमिली बताएगी आपको बच्चे के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनको एनीमिया होगी। न्यूट्रिशन वाइटल रोल प्ले करती है एनीमिया,
की करेक्शन के लिए एनीमिया का सोर्स भी है. तो न्यूट्रिशन शुड बी एवेल्यूटेड केयरफुली. तो जब आप वार्ड में टीचिंग करोगे तो एक हिस्ट्री होती है जिसको न्यूट्रिशनल हिस्ट्री कहते हैं कि आप अक्सर खाने में क्या खाते हैं, गोश्त या सब्जियां किस किस्म की खाते हैं और हफ्ते में गोश्त कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, ये न्यूट्रिशनल हिस्ट्री. फिर आपने उस डाइट को असेस करना है कि क्या वो डाइट जो है विटामिन B12 फोलिक एसिड या आयरन कंटेनिंग डाइट है या नहीं है. एक और ख़ास चीज़ कि एनीमिया लेड पॉइजनिंग में भी होती है. लेड पॉइजनिंग, लेड जो है मेटल, ये टॉक्सिक है, ये RBC की प्रोडक्शन पे भी असर करता है और उसके अलावा उसके सिस्टमिक और भी इफेक्ट हैं जैसे कि न्यूरोपैथी वगैरह, आंतों के निशान, आंतों का मसला, तो बहुत सारे प्रॉब्लम लेड पॉइजनिंग करती है. कभी कभी आपको फैमिली से भी एक्सप्लेनेशन और एडिशनल सपोर्ट हिस्ट्री के लिए चाहिए कि मिसाल के तौर पे एक गर्ल है जो अर्ली मेच्योर की तरफ जा रही है, तो उसको तो पता ही नहीं होता कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या, कब, कैसे. तो इस तरीके से आप उसके पेरेंट्स से वो पूछोगे और उसको टैम्पोन या पैड्स के इस्तेमाल के बारे में वो हिस्ट्री लेंगे. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अब एक इंडिविजुअल, क्योंकि एनीमिया एक पूरा चैप्टर है, एक ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर है और उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं. और आयरन डिफिशियंसी के बारे में ये इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट कॉमन है, वर्ल्ड वाइड कॉमन है और बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये जो है प्रॉब्लम फेस करना होता है. तो इस वजह से आयरन डिफिशियंसी में ये देखें BCQ आ गया आपका, लो आयरन एंड सीरम फेरेटिन लेवल और एलिवेटेड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये आयरन डिफिशियंसी की डायग्नोसिस है. ये आयरन लो होगा, फेरेटिन लो होगा और एलिवेटेड TIBC होगी. और दूसरी बात ये है कि वो रिस्पांस करेगा थेरापेटिक ट्रायल पे, कि जैसे आपने आयरन सप्लीमेंट दिए तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा. तीसरी बात यह है कि इन एडल्ट्स रियली ऑलवेज ड्यू टू ब्लड पास, आयरन डिफिशियंसी एडल्ट्स में नहीं होती है. एडल्ट्स जो है ना घूमते फिरते रहते हैं, बर्गर खाते रहते हैं, कभी पिज्ज़ा खा लिया, वो खा लिया, चिकन खा लिया, मीट खा लिया, ठीक है. तो बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, बड़े जो हैं वो थोड़े से खुद कफील हो जाते हैं, पैसा जेब में होता है तो अपनी पसंद की कोई चीज़ खा ली और कॉमन ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनमें आयरन सेब खा लिया. तो इस तरीके से आयरन डिफिशियंसी एडल्ट्स में कम और उनका, क्योंकि बोन मैरो भी बहुत एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट आल्सो, तो इस तरीके से. और कभी कभी ये पुअर आयरन इनटेक की वजह से भी हो सकती है या पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन. अब आयरन आया नहीं फिर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी, आयरन आया खाया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ फिर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की जनरल कंसीडरेशन ये है कि ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया, BCQ है ये, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया वर्ल्ड वाइड है ये. और उसके अलावा 11% ऑफ द वोमेन एंड 4% ऑफ द मेन हैव आयरन डिफिशियंसी. ये जनरल ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड प्रीवलेंस है वो है कि 11% वोमेन और 4% मेन, ठीक है. और उसमें 11% और 4 जिनको आयरन डिफिशियंसी है, हर आयरन डिफिशियंसी वाला एनीमिया पैदा प्रोड्यूस नहीं करता, उसमें 2% जो वोमेन और 1% मेन जो है वो डेवलप करते हैं आयरन डिफिशियंसी की. अदरवाइज 11 में से 9% को एनीमिया या एनीमिया के फीचर्स नहीं होते. और एवरेज जो एडल्ट है उसके 2 to 4 grams जो हैं वो आयरन के स्टोर से हैं. उसके अलावा 65% ऑफ जो आयरन का रिजर्व है वो RBC के अंदर होता है, बाकी जो है बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन या अदर बॉडी टिश्यू में होता है. आयरन डिफिशियंसी अकर्स व्हेन देयर इज अ नेट इंबैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द आइदर एक्सेसिव लॉस और पुअर इनटेक, या कोई खाना कम खाए, इनटेक कम करे या लॉस हो. लॉस यूजुअली GIT से, जैसे हेमरहेड्स फीमेल में, मेंस्ट्रुएशन फीमेल में, मेट खाना, पिक्का और आइसक्रीम वगैरह, ये भी आयरन डिफिशियंसी का कारण बन सकती है. पैथोजेनेसिस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पैथोजेनेसिस क्या है, कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड लॉस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. हाँ जी, ब्लड लॉस हो रहा है
लॉस हो रहा है, तो इस वजह से टर्न ओवर जो है वो मिसमैच हो गया। और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं विद इन द बॉडी रेटिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम में, और एडिक्वेटली रिसाइकल आयरन स्टोर इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दी, जो आरबीसी टूटता है उसका आयरन वापस बोन मेरो में स्टोर होगा। लेकिन ये इनटेक और आउटपुट और बैलेंस जो है ये इम्बेलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से पुअर आयरन इनटेक ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन या इनएडिक्वेट, जैसे कि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, तो वो भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया करते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, चलो आयरन है, खाना भी है, रिच इन डाइट है, लेकिन ओरल कैविटी में इशू है, डेंचर्स नहीं है, ठीक है, और ओरल कैंडिडियासिस है, तो वो भी उस आयरन डिफिशियंसी डेवलप करेगा। ठीक है, खाना है, एसोफेजल कार्सिनोमा है, एसोफेजल डिजीज है, फिर भी वो आयरन डिफिशियंसी डेवलप करेगा। खाना है, डाइट रिच इन आयरन है, लेकिन स्टमक प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक की डिफिशियंसी है, एसीएल की डिफिशियंसी है, एक्लोरहाइड्रिया है, तो फिर भी वहाँ आयरन का इशू होगा। फिर इंटेस्टिन की कोई डिजीज है, टीबी है, सीलिएक डिजीज है, विफिल डिजीज है, मेलिग्नेंसी है, माल्टोमा है, कार्सिनोमा है, लोनिंजर है, बहुत सारे लॉट ऑफ दी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ब्लैंड डूप सिंड्रोम है, स्टिगमेंट है, शॉर्ट गट सिंड्रोम है, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मेल एब्जॉर्प्शन के काज हैं जिसमें आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। और यूजली उसमें वो पेशेंट जो मेल एब्जॉर्प्शन वाले हैं, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज द क्रॉनिक डायरिया। इसके अलावा वोमेन जो फीमेल्स हैं वो 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन ईच डे ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन वो लूज करती हैं, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और डिलीवरी एडिशनली कास्ट अ वोमेन एन एवरेज ऑफ द 1000 मिलीग्राम ऑफ आयरन ईच। क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को प्रिवेंट किया सकता है, किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी एप्रोप्रिएट डाइट हो और आप इन चीज़ों को के जिस्म की ज़रूरत कितनी है और आपको सप्लाई आयरन कितना हो रहा है, अगर इन दोनों चीज़ों में मैचिंग होगी तो उन पेशेंट्स में आयरन डिफिशियंसी नहीं होगी। लेकिन अगर मिसमैच होगा कि जिस्म की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे कि कोई मदर है ब्रेस्ट फीड कर रही है तो उसकी आयरन डेली आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या कोई इन्फेंट है क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में होता है तो उसकी आयरन डिमांड जो है वो ज़्यादा है, और ऐसे खाने खाने चाहिए जो फूड जो रिच हो आयरन कंटेनिंग में, तो वो मैच करेगा। क्या रूटीन में आयरन सप्लीमेंट देने चाहिए हेल्दी या प्रेग्नेंट वोमेन को? हाँ, उनमें तब जब उनको डिफिशेंसी की अलामत हो या उनको स्क्रीन किया जाए कि हाँ इनका हेमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट या टोटल आयरन जो है बाइंडिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज है, फेरेटिन लेवल कम है और आयरन की जो लेवल है वो कम है। फाइनली यूएस की जो टास्क फोर्स है वो सजेस्ट करती है कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिकमेंड फॉर और अगेंस्ट रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ आयरन। वो कहते हैं क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान में फ़र्क है, वहाँ के लोगों की डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है और हमारी जो डाइट है वो इम्बेलेंस डाइट है, तो इस वजह से वहाँ वो कहते हैं कि जी रूटीन में आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनिंग तब करो जब आपके पास पेशेंट की क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हो, या आप समझते हो कि हाँ ये पेशेंट रिस्क पे है, आप समझते हो कि हाँ ये पेशेंट एनीमिया के सिम्टम है या एनीमिक हो पेलर है या इसकी डाइट जो है इनसफिशिएंट है आयरन के लिए, तो तब आप उसको रिकमेंड करोगे। एक चीज़ जो आम है कि यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं तो दूर से ही नज़र आता है दे आर पेलर लुकिंग, लेकिन उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, तो आयरन डिफिशियंसी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक स्पेशली इन दी अर्ली स्टेजेस, ये शुरुआत वाले जो दिन हैं मरहले हैं उसमें वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। हाँ, कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं प्रेजेंट विद द वेरी डिग्री ऑफ दी एनी ऑफ दी कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद एनीमिया। जो एडल्ट पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन, ये बीसीक्यू आ रहा है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो है एनीमिया की वो वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, हेडेक, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और पॉल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ गई, काम नहीं हो सकता, काम कर रहा हूँ थक जाता हूँ, थक जाती हूँ, बार बार मुझे हेडेक की शिकायत होती है, थोड़ा सा तेज चली उठी बैठी तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाएगी, फौरन थकावट हो जाती है,
कोई तकलीफ भी नहीं है फिर भी कमजोरी महसूस हो रही है, तो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और पॉसिबल साइंस ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड कि आप जब भी उसकी धड़कन चेक करोगे तो ट्रेकिकार्डिया मिलेगी। नॉर्मली हार्ट रेट 60-100 होता है, लेकिन ये याद रखना बूढ़े और बच्चों का वेरी करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका 100 से अपो होता है, बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका कभी कभी 60 से भी कम हो जाता है, लेकिन वो होता है नॉर्मल। जब टेकीकार्डिया होगी तो साथ में रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, तो टेकीपीनिया हो जाएगी और अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट जो है वो चेंज हो जाएगी पिंक से लेकर पीला तक। और स्पेशली जो अलग चीज़ देते हैं, तो कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है बाबा जबान खोल या अखिन के हेड कर, तो वो कंजक्टिवा को हम चेक करते हैं तो उसमें वो हमें आयरन डिफिशियंसी सॉरी एनीमिया का पता चलता है। One symptom associated with iron deficiency is particular is the pica, the craving for the eyes, clay or other unusual substance that may or may not contain the iron. तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन में लोग खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो उनमें आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। और कभी कभी आयरन डिफिशियंसी शिद्दत भी अख्तियार कर लेती है। मैंने कहा कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको आयरन डिफिशियंसी है या एनीमिया है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे डिजास्टर डेवलप करने जा रहे थे। कोलिनेकिया का मतलब है स्पून शेप नेल से, स्पून शेप नेल डायरेक्टली नहीं होते, पहले क्या होता है नेल का कलर चेंज होगा, ये ग्रेड वन है, नेल के कलर चेंज करने के बाद नेल फिलेट होगा, ग्रेड टू है, फिलेट होने के बाद डिप होगा, ये ग्रेड थ्री है, डिप होने के बाद वो टूटना शुरू कर देगा, ये ग्रेड फोर है, तो इसको कहते हैं कोलिनेकिया। कोलिनेकिया वर्ड की माना है स्पून शेप नेल्स। ब्लू स्क्लेरा होती है और एट्रोफिक विलोसाइटस होती है, टंग के ऊपर जो पपिला है वो लॉस हो जाते हैं। एक जो है बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस है वो है कि एसोफेजल वेव बन जाती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, जिसकी वजह से पेशेंट का खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खा नहीं सकता, डिग्लूट नहीं कर सकता और खाना जो है वो वोमिट आउट कर देता है, और ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से होती है। और इसका नाम दिया गया था पल्मोनर विंसन सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है पैटरसन केली सिंड्रोम। यूजुअली कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी की वजह से एसोफेजल वेव बन जाती है अपर एसोफेगस में, और वो वहाँ जो है उल्टी एंट्री को लोअर एसोफेगस की तरफ जाने नहीं देती। काज या पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसका अननोन है, मतलब हाइपोथेसिस है, लेकिन वो कोई एक वैलिड वे जो है, वैलिड जो आर्गू है, लॉजिक है कि हाँ जी आयरन डिफिशियंसी में ये होता है तो इस वजह से ये वेव होती है, तो बहुत सारे मतलब व्यास भी हैं कि हाँ जी ये अपर एसोफेगस में होती है, लोअर में क्यों नहीं होती, ये बाकी इंटेस्टिन में क्यों नहीं होती, ठीक है, इस तरीके से ये रेकिया में भी तो वेव बन सकती है तो वहाँ क्यों नहीं होती, तो इस तरीके से ये एक अभी तक मिथ और मिसकंसेप्शन का इशू है। जब पल्मोनर विंसन सिंड्रोम होता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जो है एसोफेगस वो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इसको मसल कार्सिनोमा फेरिंग्स और एसोफेगस, फेरिंग्स और एसोफेगस दोनों को इन्वॉल्व कर सकती है पल्मोनर विंसन सिंड्रोम, जो कि लीड करता है इसको मसल कार्सिनोमा की तरफ। और वंस पेशेंट हैज डेवलप्ड द कार्सिनोमा, तो अगर किसी को कोई कैंसर लेबल करता है तो आप उसके ज़िंदगी के सारे रास्ते जो है वो जो सुपर हाईवे नेशनल हाईवे वो ब्लॉक कर देते हैं, और उसको सामने वाले स्टाफ का पलना भी बता देते हैं कि अगला स्टाफ जो आएगा वो ये होगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, स्टेज वन, स्टेज वन टू, टू ए, टू बी, अगर कोई जो है अपना क्या कहते हैं उसको कि वाइग्रस एफर्ट ले और एग्रेसिव मैनेजमेंट करे और जदीद और फुल फ्लेज मैनेजमेंट करे, तो ये इसका मसल कार्सिनोमा या फेरिंग्स का या एसोफेगस का के अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट्स। लेबार्टी फाइंडिंग जो है, ये अगेन पीछे गुजार रहे हैं थोड़ा सा, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। लेबार्टी फाइंडिंग जो है आयरन डिफिशियंसी के लिए, ये हेमोग्लोबिन लेवल्स कैन बी नॉर्मल, लो नॉर्मल इन अर्ली आयरन डिफिशियंसी। हाँ आयरन डिफिशियंसी होगी लेकिन
वो हेमोग्लोबिन लेवल जो नॉर्मल होगी लेकिन लो की तरफ। दूसरा माइल्ड डिफिशियंसी हील्ड कि हेमोग्लोबिन लेवल आफ्टर 9 to 11। अगर अब ये जो बता रहा हूँ ये हेमोग्लोबिन एनीमिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेमोग्लोबिन लेवल के, माइल्ड एनीमिया उसको कहते हैं कि जब हेमोग्लोबिन की लेवल जो है 9 से अबोव हो और 11 से कम हो तो ये माइल्ड एनीमिया होगी। मॉडरेट एनीमिया तब होगी जब 11 से कम हो और 7 से ज्यादा हो तो ये मॉडरेट एनीमिया, जब 7 से कम होगी तो ये सीवियर एनीमिया, और वही सीवियर एनीमिया जब 5 से कम होगी तो ये वेरी सीवियर एनीमिया। सीरम आयरन लेवल बिलो 60 microgram per deciliter इंडिकेट दी आयरन डिफिशियंसी। उसके अलावा आयरन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, सीरम फेरेटिन फास बिलो 30 nanogram per deciliter और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देयरफॉर राइजेस अबव 400 microgram per deciliter। ये चीज समझना, तीन पैरामीटर्स बल्कि चार। पहली बात ये कि आयरन कम हो जाएगा, दूसरी बात ये कि फेरेटिन कम हो जाएगा लेकिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, ये है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और परसेंट आयरन सैचुरेशन व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआईबीसी फॉल्स अबाउट 15%। तो ये चार चीजें हैं जो अफेक्टेड होती हैं और इन चार के बेसिस पे आप डायग्नोसिस करते हो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 1 टोटल आयरन, 2 फेरेटिन, 3 टीआईबीसी, 4 परसेंट आयरन सैचुरेशन, ये चार चीजें। Although serum ferritin levels are often useful in differentiating iron deficiency from the other forms of the microcellular syndrome, ferritin is a common component. Ferritin pe aap etbar bhi nahi kar sakte. So, acha abhi bhi piche se shor aa raha hai. Okay. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं तो कूल और काम एनवायरनमेंट में बैठा हूँ। फेरेटिन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन भी है। अब जैसे ये आजकल ये कोविड वाला इशू चल रहा है तो कोविड में भी फेरेटिन बढ़ जाता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी है साथ में। हालांकि ये फेरेटिन जो है वो आयरन डिफिशियंसी के भी डायग्नोसिस में हेल्प करता है लेकिन ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन भी है, तो इस वजह से ये लेवल जो है एक्यूट इलनेस में भी बढ़ जाती है, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज हो उसमें भी बढ़ जाती है और कैंसर मेलिग्नेंसी जो है उसमें भी बढ़ जाती है। तो द पेरिफेरल ब्लड समियर इज आल्सो यूजफुल टेस्ट आयरन डिफिशियंसी। आरबीसी इज मैनिफेस्ट वेरिंग डिग्री ऑफ हाइपोक्रोमिया एंड माइक्रोसाइटोसिस, कि जब भी आयरन डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी की अपीयरेंस में क्या होगा कि वो जो पिंक से पेलार हो जाएंगे और नॉर्मल साइज जो है उससे वो कम होके थोड़े से छोटे हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, तो ये लेबार्टी फाइंडिंग हमें मिलेगी। अगर हमने आयरन डिफिशियंसी को एग्जैक्टली डायग्नोस करना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो आयरन डिफिशियंसी के है वो है बोन मैरो एग्जामिनेशन, व्हिच शोज एब्सेंट आयरन रिजर्व्स इन द अफेक्टेड पेशेंट, के वो बोन मैरो जो है वो बताएगा कि जी हाँ आयरन स्टोर्स जो है दे आर डिप्लीटेड। अ पर्शियन ब्लू स्टेन इज यूज्ड टू एग्जामिन मैरो आयरन स्टोर्स, ये वो डाई है जो बोन मैरो के ऊपर लगाते हैं तो जिसके बाद जो है वो उसकी अपीयरेंस आयरन की अपीयरेंस के बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ जी आयरन स्टोर्स हैं या नहीं है। अदर मेथड जो है वो एक मेथड है वो है एक ट्रीटमेंट ट्रायल थेरेपी, कि अगर आप कंसीडर करते हो कि किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो आपने उसको आयरन सप्लीमेंट देनी है, आयरन थेरेपी देनी है, तो ओरल दें, इंजेक्टेबल दें या किसी भी फॉर्म में दे, तो उस तरीके से आप आईवी दें तो पता चलेगा कि अगर वो ट्रीटमेंट आयरन देने के बाद इम्प्रूव होता है तो आपका डायग्नोसिस करें। एक और बात कि रेटिकुलोसाइट की काउंट जो है वो जब आप आयरन करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, आयरन देने के बाद वो इंक्रीज हो जाएगी, तो लेकिन वो एक दिन में नहीं होगी, इट टेक्स कपल ऑफ डेज फॉर द इंक्रीज रेटिक्स काउंट। नॉर्मली जो रेटिक्स काउंट है वो 1 या 1 to 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप आयरन पेरेंट ओरल आयरन देंगे
तब ये तीन या चार हफ्ते के बाद आस्ता आस्ता उसका इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट यही है कि जी हाँ, आयरन की कमी है तो आयरन डाइट में इंक्रीज करो, या ऐसे फूड्स रिकमेंड करो जिनमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे कि लिवर है या फिश है, होल ग्रेन्स, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट, ये इनमें भी आयरन ज़्यादा होता है। और कभी कभी गुबेदा पा वाले टोटके के आयरन के पोर्ट्स में खाना पकाने से या पॉन्स में खाना पकाने से जो है वो आयरन बढ़ जाता है खाने के अंदर उसकी मकदार। और ओरल आयरन थेरापीज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आयरन साल्ट जो है मार्केट में मुख्तलिफ कंपोजिशंस में अवेलेबल हैं। वो 130-300 माइक्रो मिलीग्राम टेबलेट ऑफ आयरन सल्फेट वो 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन जो है वो डिलीवर करती है, और आयरन ग्लूकोनेट की जो टेबलेट है वो 34 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन जो है वो डिलीवर करती है, और अप टू 180 माइक्रोग्राम ऑफ आयरन एलिमेंटल कैन बी गिवन ईच डे डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डिफिशिएंसी। और दूसरी बात ये याद रखना कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज बेटर। अगर आयरन आप एक रिकमेंडेड डोज में चलाएंगे तो वो पेशेंट को बेनिफिट देगा, लेकिन अगर आपने उसका डोज बढ़ा दिया, एक्सेसिव आयरन देगी तो वो इजाद नहीं होगा और वो लोकल या सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है। आयरन ओवरलोड, कभी कभी हद से ज़्यादा आयरन खाने से हेमोक्रोमेटोसिस प्राइमरी या सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस मीन्स एबनॉर्मल आयरन डिपोजिशन इन द बॉडी वो हो जाती है। तो एबनॉर्मल आयरन डिपोजिशन अगर लिवर के अंदर हो जाए तो वो हेमोक्रोमेटोसिस ऑफ द लिवर वो क्या करती है कि डायरेक्ट लिवर मेलिग्नेंसी कराती है, उसके अलावा जॉइंट पेन कराती है, उसके अलावा मेलिग्नेंसी कराती है, उसके अलावा डायबिटीज ब्रोंस डायबिटीज कराती है, उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी कराती है, उसके अलावा इम्पोटेंसी कराती है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं आयरन ओवरलोड के। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है मेनी फैक्टर्स पे। कौन से हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि जी आयरन क्योंकि वो गैस्ट्राइटिस भी कराता है, साथ में एमोपिराजोल खा लिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आयरन के साथ आप विटामिन सी की टेबलेट एडवाइस करेंगे, विटामिन सी कोविड में भी यूज हो रहा है। हाँ जी, विटामिन सी एसिड है, तो एसिड क्या करता है, कोरोना वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको लाइसिस करते हैं, इस वजह से वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और दूसरी बात यह है कि वो इम्यून को भी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो फॉर दिस सेम रीजन एंटीसिड शुड बी अवॉइडेड, कि एंटीसिड अगर आप देंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन और एक्टिवेशन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा और सेवरल आवर्स तक जो है आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन के साथ कैल्शियम ले लिया, सोया प्रोटीन ले लिया, टेनिस या चाय का इस्तेमाल कर लिया, फाइटेट जो है वो बिरान जौ में पाया जाता है वो आपने खा लिए, तो वो उससे ये होगा कि आयरन की जो रूटीन वाली एब्जॉर्प्शन है वो डिले या इम्पेयर हो जाएगी। साइड इफेक्ट जो है ये याद रखना कि जो लोग सिंगोबियान वगैरह या जो आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, आयरन सुक्रोज या पॉलीमाल्टोज टेबलेट जो है वो, आयरन ग्लूकोनेट की टेबलेट जो है वो, फेरस सल्फेट फास्फेट ये लेते हैं, तो इनमें यूजुअली अपर जीआई अपसेट और कॉन्स्टिपेशन होता है। और फॉर दिस रीजन सम फिजिशियंस रूटीनली प्रिस्क्राइब कि अगर इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है तो आपने स्टूल सॉफ्टनर फाइबो वगैरह है या लेक्टुलोज है जो वो साथ में देनी है ताकि उन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो। एक और ऑप्शन भी ट्रीटमेंट का है कि हम आयरन को इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली दोनों तरीके से दे सकते हैं कि पेशेंट जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि अगर किसी को ओरल आयरन दिया जा रहा है तो जो है सो वो प्रॉपरली नहीं खा पा रहे, तो आप उसमें अल्टरनेट जो है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस है। दिस रूट में आल्सो बी कन्वीनियंट, आसान तो है, लेकिन पेशेंट्स हु हैव करंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेलअब्सॉर्प्शन और ऑनगोइंग मेलेडा सच एज दोस सीवियर इन्फ्लेमेटरी गाउट डिजीज, तो उनमें ये अच्छा है, लेकिन पैरेलली उसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि एक तो वो लोकल फिलेबाइटस वेन की इन्फ्लेमेशन कराता है, दूसरा वो मसल ब्रेक डाउन कराता है, तीसरा वो एनाफाइलेक्सिस कराता है, और चौथा फीवर भी करवाता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन करवाता है।
और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दी पेरेंटल आयरन, इसमें सबसे ज़्यादा जो है डेंजरस जो है वो एनाफाइलेक्सिस है, और एनाफाइलेक्सिस कभी कभी डेथ का भी सबब बन जाता है कि आपने किसी को आयरन दी और उससे पहले जो है इसका टेस्ट डोज दिया जाता है। हमेशा याद रखना कि आयरन का टेस्ट डोज दे के फिर ही इन्फ्यूज करें तो बेहतर रहेगा। चांस आप दी एनाफाइलेक्सिस लो होता है, लेकिन अगर किसी को हो गया तो इमीडिएट ट्रीटमेंट जो हो है उसकी वो है एड्रेनालिन और फेनरामीन और स्टीरॉइड्स। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट कॉमन काज है एनीमिया का वो है जो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, और एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज उसमें जो है प्रेजेंस ऑफ द क्रोनिक डिजीज अंडरलाइंग पहले कोई बीमारी होगी, पहले उसको बीमारी होगी, कोई ना कोई बीमारी होगी। दूसरी बात ये कि उसमें आरबीसी जो है वो कम होते हैं और बोन मैरो जो है वो हाइपोएक्टिव होता है। तीसरी बात ये है कि उसमें आयरन डिफिशिएंसी में फेरेटिन लेवल कम था, टीआईबीसी हाई था, लेकिन यहाँ क्या है कि हाई या नॉर्मल फेरेटिन होगी और लो टीआईबीसी होगी, ये बीसीक्यू है आपका। जनरल कंसिडरेशन ये है इसकी कि बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे कि मेलिग्नेंसी है और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है और क्रॉनिक इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और ये सारी जो है एनीमिया के साथ हो सकती है। और सिलेक्टेड कॉजेज ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन, टीबी, मेल एब्सेस कहीं पे हो तो उसमें भी एनीमिया हो जाएगी, क्रॉनिक एब्सेस जो हो, और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है और कोलाजन वेस्कुलर डिजीज है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, पोली आर्थराइटिस नोडुजा है, टेम्पोरल आर्थराइटिस है, और मेलिग्नेंसीज हैं, एडिनोकार्सिनोमा या इसका मसल कार्सिनोमा है। तो लिस्ट है जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है जो पेशेंट को मॉर्बिड करती है, तो उनमें पेशेंट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक, जाहिर है जब एनी पेशेंट बीमार होता है तो बीमारी में एक खास बात होती है सवाए हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज के, तो वो खाना कम खाता है, खाना कम खाता है तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल इनटेक कम हो जाती है, इनटेक कम हो जाती है तो इस वजह से वो जनरलाइज वीकनेस की तरफ चला जाता है, तो एनीमिया क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है। तो इंस्पाइट ऑफ द शॉर्ट आरबीसी सर्वाइवल, बोन मैरो की आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो भी लो होती है, तो वो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो बोन मैरो को भी सप्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि जी दिस इज थॉट टू बी ड्यू टू ट्रिपिंग ऑफ द आयरन स्टोर्स, और माइल्ड डिक्रीज होती है आरबीसी एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन में, और इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बोन मैरो टू द एरिथ्रोपोएटिन, चलेगी हेमोग्लोबिन तो सॉरी एरिथ्रोपोएटिन कम सीक्रेट हुआ किडनी से तो उसने बोन मैरो को भी कम स्टिमुलेट किया, कम स्टिमुलेट करने से एरिथ्रोपोएटिन के कम स्टिमुलेट करने से आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम हो गई। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो एनीमिया के आफ्टर माइल्ड होते हैं, और फटीक, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, पेलारनेस फिजिकल अपीयरेंस में, और कंडीशन मस्ट बी देयरफॉर सस्पेक्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड इन पेशेंट्स नोन टू हैव द अंडरलाइंग कंडीशन, और स्पेशली उसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज यूजुअली नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है इनिशियली, मतलब आरबीसी की साइज और शेप दोनों नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे जैसे डिजीज एडवांस होगी फिर उसमें जो आयरन है तो आयरन डिफिशियंसी के साथ मैनिफेस्ट करेगी, फोलिक एसिड है तो मेगालोब्लास्टिक है, बीटोलिव है तो मेगालोब्लास्टिक के साथ, या पेशेंट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो वो मैक्रोसाइटिक के साथ प्रेजेंट करेगा, या पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो मैक्रोसाइटिक के साथ प्रेजेंट करेगा, या पेशेंट कोई ऐसी ड्रग जैसे मिथोट्रेक्सेट है, थायरोक्सिन है, पेनिसिलामीन है, तो वो जिस तरीके से वो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है तो उस ड्रग की वजह से भी उसको सिम्टम हो सकते हैं। वी हैव टू एंड हियर, नेक्स्ट जो होगा वो भी एनीमिया पे हो गया और हम इसको वहाँ से यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन आंसर होना थोड़ा।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि लेक्चर ऑनलाइन तो कम्युनिकेशन इशू था, नेटवर्क का इशू था और प्रॉपरली साउंड या साउंड सिस्टम का इशू था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कंफ्यूजिंग होंगी और आप तक प्रॉपरली ना पहुँच पाएंगे होंगी, इस वजह से वही एक्सट्रीमली फील सॉरी फॉर देट। और फिर भी अगर कोई मतलब क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरी खुशनसीबी है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है सर, मन के